नमस्कार, मैं निखात बोल्सकाई में आपका स्वागत है। पायरिया जैसी डेंटल प्रॉब्लम होना आम है। पायरिया में मसूड़ों पर सूजन आ जाती है, जिसके कारण मसूड़ों में तेज दर्द का सामना करना पड़ सकता है। पायरिया की वजह से होने वाले दर्द को आसानी से ठीक किया जा सकता है, लेकिन कई बार पायरिया की समस्या काफी गंभीर हो सकती है, जिसमें मसूड़ों पर सूजन के साथ साथ मवाद भी आ जाता है। मसूड़ों में पायरिया होने से सांस में बदबू आने लगती है, जिसे व्यक्ति को खाने पीने और दूसरे लोगों के करीब जाकर उनसे बात करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। ब्रश करते हुए मसूड़ों से खून या मवाद आना, ब्रश करने में तकलीफ होना, खाना खाने में परेशानी होना आदि पायरिया के लक्षण हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में पायरिया से छुटकारा पाने की क्या है कुछ घरेलू उपचार। अमरूद। अमरूद विटामिन सी का एक अच्छा स्रोत्र होता है, जो दांतों के लिए काफी अच्छा टॉनिक है। कच्चे अमरूद को नमक के साथ खाने से पायरिया की समस्या दूर हो सकती है। मसूड़ों में सूजन और दर्द होने पर अमरूद के कोमल पत्तों को भी चबा सकते हैं। नियमित अमरूद के पत्तों को चबाने से दांत स्वस्थ रहते हैं। सरसों का तेल। पायरिया के इलाज के लिए सरसों का तेल काफी अच्छा होता है। सरसों के तेल की कुछ बूंदों में नमक मिलाकर हल्के हाथों से मसूड़ों पर मसाज करने से पायरिया और मसूड़ों की सूजन या दर्द में राहत मिल सकती है। मसूड़ों को स्वस्थ रखने के लिए ब्रश करते समय सरसों का तेल मसूड़ों पर लगा सकते हैं। नींबू का रस। पायरिया के लिए नींबू का रस काफी कारगर माना जाता है। मसूड़ों पर नींबू का रस रगड़ने से कुछ देर झंझनाहट हो सकती है, लेकिन उससे मसूड़ों में खून आना और दर्द होना बंद हो सकता है। अरंडी का तेल, कपूर और शहद। 200 मिलीलीटर अरंडी का तेल, 100 ग्राम शहद और 5 ग्राम कपूर को मिलाकर एक मिश्रण तैयार कर लें। इस मिश्रण को नीम की टहनी से मसूड़ों और दांतों पर लगाएं। इससे पायरिया में काफी राहत मिलती है। इस मिश्रण को रोज लगाने से मसूड़े स्वस्थ रहते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।